हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने आई हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर देने के लिए आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कौन से क्वेश्चन में कौन सी कन्फ्यूजन, तो मैं आपको बता दूँ डीएलएड काउंसलिंग से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि डीएलएड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है कि 26 तारीख से लेके 6 तारीख तक होगी। तो इन 10 दिनों में आपके काउंसलिंग के फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में कि कौन कौन से बच्चे इस काउंसलिंग फॉर्म में भाग ले पाएंगे, किन किन बच्चों के इसमें नंबर आने के चांस हैं, किन किन बच्चों के एडमिशन होने के चांस हैं काउंसलिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारी कट ऑफ आई है डीएलएड की यानी दिल्ली डाइट की, उसमें किसी जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो बच्चे काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सेकंड वो बच्चे जिनका नाम तो मेरिट लिस्ट में आ गया है पर प्राइवेट में आया है और वो चाहते हैं कि वह हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाए, तो वो भी अपनी ये काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का नाम प्राइवेट कॉलेज में आया है वो बच्चे भी अपने काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पर जब आपको पक्का कि हाँ आपकी परसेंटेज इतनी हाई है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, जब आप बिल्कुल श्योर हो उसके बाद ही आप अपने ये काउंसलिंग फॉर्म को फिल करना, अदरवाइज आपके 1000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं काउंसलिंग फॉर्म की जो फीस है 1000 रुपीज़ है, जो कि विदाउट रिफंडेबल है, जो कि रिफंडेबल वापस नहीं होगी। और थर्ड वो बच्चे कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ तो गया था पर वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए नहीं गए, या फिर उन्होंने अपनी जो 1800 फीस सबमिट करनी थी वो फीस भी सबमिट नहीं करी, तो वो बच्चे भी काउंसलिंग फॉर्म में भाग लेकर के अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ बारिश भी आ रही थी उस टाइम पर, बहुत बच्चे ऐसे जिनकी तबीयत खराब हो गई या फिर किसी अदर रीजन से वो कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने नहीं जा पाए, या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि हमें डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है, तो वो बच्चे भी काउंसलिंग फॉर्म फिल करके अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपनी सीट को फ्रीज करा सकते हैं। और हाँ, जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है, जिनका तीनों कट ऑफ में से नाम आ गया था, उन्होंने अपनी सीट फ्रीज कर दी है, मीन्स बुक कर दी है, अपनी फीस भी सबमिट कर दी है, तो उन बच्चों को काउंसलिंग फॉर्म में भाग नहीं लेना, क्योंकि उनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका एडमिशन तो हो ही चुका है, तो आपको क्या फ़ायदा है 1000 रुपये वेस्ट करके। तो अब मैं बता दूं, जैसे कि हमारी तीनों मेरिट लिस्ट थी उसमें आपका कितने सारे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन था, हमारी रैंक लिस्ट में 13000 से ज़्यादा बच्चे आए थे, 13000 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन चल रहा था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आ भी चुका है और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का नहीं आया वो सभी काउंसलिंग फॉर्म को फिल करेंगे, जी हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी बच्चे इस काउंसलिंग फॉर्म को फिल करेंगे, बल्कि बहुत कम बच्चे काउंसलिंग फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो इसीलिए अब काउंसलिंग फॉर्म में आपका बहुत कम बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन होगा, तो आपके थोड़े ज़्यादा हैं कि आपका इस बार मतलब काउंसलिंग राउंड में आपका एडमिशन हो जाए, पर अगर आपकी परसेंटेज हाई है तभी, अगर आपकी परसेंटेज कम है या फिर आपकी परसेंटेज ज़्यादा भी आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप बिल्कुल भी इस फॉर्म को फिल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका नंबर नहीं आ पाएगा क्योंकि सीट बहुत ही कम है, जी हाँ सीट बहुत कम है। आप जानते हैं प्राइवेट कॉलेज 26 है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज 9 है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 1024 ही सीट होती हैं, तो उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा सीट नहीं बाकी रही होंगी, जो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें हाँ थोड़ी बहुत सीट ज़्यादा होंगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भी मत अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर आप काउंसलिंग राउंड में भाग लेते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में ही नाम आएगा, जी हाँ ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है, आपका प्राइवेट कॉलेज में ही नाम आएगा, ये आप बिल्कुल मैं 100% आपसे कह सकती हूँ कि आपका प्राइवेट कॉलेज में ही नाम आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आना एकदम पक्का नहीं है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि आपके 1000 रुपये का सवाल है और बाय चांस आपका नंबर नहीं आया, आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आपके 1000 रुपये 1000 रुपये बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये फीस बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे कि किन किन बच्चों को इस काउंसलिंग राउंड में भाग लेना है। तो आई होप कि अब आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं होगी, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
करके पूछ सकते हैं हम, आप हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आई होप। और अगर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो काउंसलिंग राउंड में भी भाग नहीं लेंगे, उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो हम वो सोच रहे हैं हम क्या करें, तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने बना दी है कि आपको ग्रेजुएशन कैसे करनी है और कौन सी करनी है। मैंने गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ग्रेजुएशन का कोर्स बताया है, जिसे एनसी वेब के नाम से भी जाना जाता है। तो एनसी वेब के बारे में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।